कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSB वालों का, जी हाँ दोस्तों, ज्वाइनिंग का जो ईमेल आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग का ईमेल आ रहा है, तो वो किस प्रकार के ईमेल हैं, क्या हैं, इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। और इससे पहले अगर CRPF का वो लोग बात करें कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि CRPF का मेरा नहीं ज्वाइनिंग लेटर है, तो आ जाएगा 2-4-10 दिन में आ जाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा ना, तो उसके बाद से इंतज़ार करने को आपको नहीं मिलेगा, चाहे CRPF हो, ITBP हो, कोई भी हो, BSF हो। BSF वालों का लगभग लगभग ज़्यादातर लोगों का ये क्या कहते हैं, जो ट्रैक ID नहीं होता है, ट्रैक ID जो कि स्पीड पोस्ट का होता है, तो वो सब मतलब मैसेज आ चुका है बहुत सारे लोगों का, और थोड़ा ही इधर उधर आ रहा है, तो उससे आप ट्रैक कर लेंगे कहाँ है मेरा ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो BSF का ऑनलाइन भी आ रहा है, मतलब कि ऑनलाइन अपने फ्रंटियर का डाउनलोड कर लेंगे कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं जाना है, तो ये तो हो गया। और CISF, हम देखिए कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें सभी पोस्टों को एक बार जरूर डिस्कस कर लेते हैं। CISF वालों को बता ही दिए पहले ही कि वेरिफिकेशन चल रहा है डॉक्यूमेंट का, उनका भी मतलब 15 मार्च से आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, रह गया बात आसाम राइफल का, भाई अभी लेट होगा, ठीक है, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। लेकिन जो SSB का बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब कि मेल आ रहा है ज्वाइनिंग का रिलेटेड, तो वो कैसा मेल है हम आपको बताएंगे, आ रहा है नहीं आ रहा है, इस वीडियो को सोच लेकर अंत तक देखिएगा। और नए बच्चा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों। तो देखिए, यही है वो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखिए ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन जो है, तो हम इस पे पहले वीडियो बना चुके थे, तो ये मेल नहीं आ रहा है, झूठ मूठ के लोग कह रहे हैं कि मेल आ रहा है, मेल नहीं आ रहा है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर SSB का मेरा कब आएगा, यानी कि उनको कोई बता दिया कि SSB का ज्वाइनिंग आ रहा है, तो SSB का ज्वाइनिंग अभी ऑल इंडिया में कहीं नहीं आ रहा है दोस्तों, ये केवल ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है। तो ये पहले का जारी हो चुका है, हम इस पे वीडियो बना चुके हैं। देखिए ये क्या है कि रिपोर्टिंग सेंटर है कि जिसको इसमें रिपोर्ट करना है, 5th बटालियन SSB चैम्पोर्ट, एड्रेस है द कमांडेंट 5th बटालियन SSB चैम्पोर्ट, डिस्ट्रिक्ट चैम्पोर्ट, स्टेट उत्तराखंड, पिन कोड 262523, फ़ोन नंबर इतना। मतलब ये देखिए, जिसका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, तो उनका लोकेशन सब दिया है, ठीक है, कि कहाँ से कैसे जाना है, कितना दूर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ये तो बटालियन का नाम दे दिया, ये एड्रेस दे दिया, ये लिखा है कि SSB मतलब इतना लोकेटेड 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम तनकापुर बोर्ड, मतलब ये सब मिला करके ये पूरा दिया है कि लोकेशन की कहाँ से कैसे जाना है, बस जीप जो भी हो, यहाँ पर लिखा है ना ऑटो रिक्शा, तो ये सब लिखा है। ये ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों आपका नहीं है, हाँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए जरूर ये है क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा मेंशन कर दिया है कि ज्वाइनिंग टाइम में क्या क्या लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ पे वो तो एड्रेस हो गया, अब देखिए इस सभी का हम बता दें कि सभी का बस इतना ही बदलेगा, और उसके बाद से कुछ नहीं बदलने वाला है, सभी का एड्रेस इतना ही बदलेगा, उसके बाद से जो लगेगा सबका सेम लगेगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं SSB का, पहले भी तो हम आपको दिखा दिए हैं कि यहाँ पे SSB लिखा है, SSB का ही। यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स वाइल रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग, मतलब कि ज्वाइनिंग के टाइम में क्या क्या ले जाना है। ऑल डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज मेंशन्ड इन द ऑफर अपॉइंटमेंट, ठीक है, मतलब सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है अपॉइंटमेंट के साथ में, जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके साथ में डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी, सभी डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अप्रोक्स RS 8000 फार्मेस सिक्योरिटी एडवांस एंड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, मतलब 8000 रुपये भी साथ में ले जाना है। सुफियस्ट पेयर्स ऑफ सिविलियंस क्लोथेज इंक्लूड उलेन, देखिए जिसमें उलेन भी शामिल हो वैसा भी कपड़ा कुछ ले जाना है, एक जोड़ा ले जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सब दिया है कि मतलब क्लोथिंग बैंडिंग जो भी हैं अपने स्टेट के अनुसार ले जाना है, कि मतलब किस स्टेट में आपका ज्वाइनिंग पड़ा है, वहाँ का कैसा मौसम है, वहाँ सब इंक्लूड हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या दिया है कि देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच ही विल फॉलो द नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन ऑफ द फोर्स, तो ये तो मतलब दिया है, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं हम लोग का। देखिए वहाँ पे ये भी, द इंडिविजुअल कैन बी विथड्रॉन फ्राम द बेसिक ट्रेनिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ इनडिसप्लिन मेडिकल एबसेंस फ्राम ट्रेनिंग डिस्ट्रैक्शन ETC, देखिए इससे भी कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा देखेंगे तो टेंशन भी बढ़ेगा। अब हम आगे आपको बताते हैं, एक इसमें और है, वो क्या था हम देखे थे, देखिए यहाँ पे है कि नो इंडिविजुअल इन इज अलाउड
टू कीप एनी प्राइवेट वीपन आर एनी प्रोहाइबिट आर्म्स विथ हिम हर। देखिए जो है कि अपने साथ में पर्सनल का वो जो वेपन वेपन जो मिलता है आपको ट्रेनिंग के दौरान, उसको पर्सनल में अपने पास नहीं रखना है। ट्रेनिंग जैसे जितना देर का हुआ उसके पास जमा कर देना है, जैसे हुआ वैसे जमा कर देते। ये कोई पुराना नया बात नहीं है, ये सब पुराना ही है, ठीक है। और उसके बाद उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए सबसे अगर बड़ा बात है तो किसी भी फोर्स में जाएंगे, जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो 8 से 10 हज़ार अपने साथ में ले जाइए। और उसके बाद 2 जोड़े कपड़ा ले जाइए, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबका ले जाइए, ठीक है। तो दोस्तों यही है, कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है इसका। हम इससे पहले भी SSB वालों के लिए वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, अभी ज्वाइनिंग लेटर जैसे इसे हो जाएगा वो हला हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई हिबट नहीं है। बहुत सारे लोग नागालैंड का मतलब और आसाम का ये कर रहे थे कब आएगा, तो नागालैंड का भी CRPF आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्त ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।